बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2023 का पीएम ने किया उद्घाटन। देश में निर्मित उत्पाद और तकनीक को बढ़ावा देना आयोजन का मकसद। पीएम ने कहा, बेंगलुरु का आसमान समर्थ भारत का साक्षी। आत्मनिर्भर होते भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। एयरो इंडिया शो में दिखी मेक इन इंडिया की ताकत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने हेलीकॉप्टर का किया प्रदर्शन। लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम। अडानी पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। संसद की कार्रवाई से भाषण का हिस्सा हटाने पर खड़गे ने उठाए सवाल। बीजेपी ने याद दिलाए कानून। बागेश्वर धाम में सबसे बड़ी सियासी हाजिरी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बागेश्वर धाम पहुंचे। बालाजी के दरबार में टीका माथा। बेंगलुरु के बाद चुनावी राज्य त्रिपुरा के दौरे पर पीएम। अगरतला में कुछ देर में शुरू होगी पीएम की रैली। कर्नाटक में कांग्रेस का वादा काट। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गृहिणी को 2000 रुपए देने का वादा। कोची में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का किया उद्घाटन। कार्यकर्ता कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में टीएमसी नेता के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरदा होटल में तोड़फोड़ का मामला। जौनपुर में पुलिस ने ईसाई मिशनरी से जुड़े 16 लोगों को गिरफ्तार किया। धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का है आरोप। दिल्ली में एक्शन में डीडीए। मेहरौली में लगातार चौथे दिन चला बुलडोजर। लोगों को जबरन घरों से निकाला गया। आपने किया था तोड़फोड़ का विरोध। बस्ती में प्रशासन ने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। भूमाफियाओं से मुक्त करवाई गई 1 करोड़ रुपए की जमीन। वाराणसी के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू। काल भैरव मंदिर भी जाएंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। गंगा आरती भी देखेंगी। लखनऊ में 3 दिवसीय G20 समिट का शुभारंभ। मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। आगरा में G20 प्रतिनिधिमंडल ने किया ताजमहल का दीदार। शिरोज हैंगआउट कैफे में एसिड अटैक का पीड़ित महिलाओं से भी की मुलाकात। राजस्थान के सीकर में 22 फरवरी से शुरू होगा खाटू श्याम बाबा का रखी मेला। दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पदयात्रा का दिखा भव्य नजारा। गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का हुआ जीर्णोद्धार। मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर पीएम मोदी ने जताई प्रसन्नता। वाशिम में बंजारा समाज के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम। दोनों ने जमकर बजाया नगाड़ा। जम्मू में प्रशासन की ओर से मेगा जॉब फेयर का आयोजन। बेरोजगारों को नौकरी देने पहुंची 70 से ज्यादा कंपनियां। विश्व रेडियो दिवस के मौके पर पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई रेत की आकृति। लोग कर रहे हैं तारीफ। उदयपुर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में लॉकर में रखे 2,15,000 रुपए को दीमकों ने खाया। ग्राहकों का बैंक स्टाफ से हुआ विवाद। साउथ अफ्रीका में हुए विमेंस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से दी मात। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत। मुंबई के 5 सितारा होटल सेंट रिजिस में कियारा सिद्धार्थ का ग्रैंड रिसेप्शन। बॉलीवुड जगत के सितारे और नामचीन हस्तियां हुई शामिल। बिग बॉस सीजन 16 के विजेता बने एमसी स्टेन। शो के फिनाले में टॉप 5 सदस्यों के बीच था मुकाबला। स्टेन ने सभी को मात देते हुए हासिल की जीत। तुर्की के हताए शहर में राहत और बचाव का कार्य जारी। मलबे के ढेर से एक आदमी और उसकी बेटी को सुरक्षित बाहर निकाला गया।